और जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, राजधानी जयपुर में प्रतिदिन कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है। देश प्रदेश नए साल का जश्न मनाने को तैयार है। पर्यटक स्थलों पर सैलानी काफी संख्या में मिल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तक का उपयोग नहीं हो रहा। पर्यटन स्थलों पर प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की मॉनिटरिंग तक नहीं हो रही। ऐसे में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं अल्बर्ट हॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं काफी संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करी है। साथ ही साथ मास्क का उपयोग भी नहीं हो रहा है। जरूरत है अभी प्रशासन को जागने की, क्योंकि प्रतिदिन आंकड़े कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी प्रशासन नहीं जागा तो एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। क्योंकि 31 तारीख को बड़ा जश्न का कार्यक्रम जगह जगह पर रखा गया है, अगर वहां पर भी गाइडलाइन की पालना नहीं होती है और राजधानी जयपुर के इन पर्यटक स्थलों पर अगर पालना नहीं होती है तो एक बड़ा विस्फोट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह सैलानी यहाँ पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। प्रशासन हर बार अपने स्तर पर वादे कर रहा है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी कहीं ना कहीं इन वादों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। जरूरत है प्रशासन को जागरूक होने की, क्योंकि मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन पर्यटक स्थलों पर जो है गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है। अगर इसी तरह लापरवाही जारी रही तो आने वाले समय में कह सकते हैं एक बड़ा विस्फोट कोरोना का देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत।